हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब टाइटल लिखने के लिए 3 टिप्स दूंगा, ओके। एंड अगर ये तीनों टिप आप अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं 80% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सर्च से व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये कोई पैंतरा नहीं है कि भाई ये करोगे तो गारंटी सर्च से व्यूज आएंगे, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ना ही यूट्यूब के टीम ने ऐसा कुछ कहा है, ना ही किसी एक्सपर्ट ने, ऐसा नहीं होता। चीजें डे बाय डे अपडेट होती हैं। यूट्यूब चाहता है कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है उससे बेस्ट चीज मैच करके, बेस्ट जो वीडियो है मैच करके यूट्यूब परोसे उस व्यूअर को, ताकि व्यूअर एंगेज रहे, यूट्यूब पे समय बिताता रहे, ओके। तो चीजें अपडेट हो रही है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ये लिख दोगे तो सर्च से व्यूज आएंगे, आपका रैंक कर जाएगा, नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। मेरे जो वीडियोस पे सर्च से व्यूज आए हैं, कैसे आए हैं, उसमें मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, उन चीजों पे डिस्कस करूंगा। मेनली टाइटल देखेंगे हम लोग, टाइटल कैसे लिख सकते हैं, ओके। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। खैर जी ने पता नहीं गाइस, मैं हूं साबिर और मैं इस चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूं। तो अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर एंड मैंने ये एनालिटिक्स ओपन करके रखा है एक वीडियो का, ओके, आपको समझाने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इस पे 5000 व्यूज आए हैं जब से पब्लिश हुआ तब से। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने व्यूज आए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी व्यूज आए हैं आपके वो कहाँ से आए हैं। तो हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वीडियो में जो 5411 व्यूज आए हैं उसका 75% व्यूज यूट्यूब सर्च से आया है, ओके, यूट्यूब सर्च से एंड सजेस्टेड वीडियो से 13%। एंड ये जो दो ऑप्शंस है ना, यूट्यूब सर्च और सजेस्टेड वीडियोस, ये आपको यूनिक व्यूअर्स ला के देते हैं, मतलब नए व्यूअर्स। तो चांसेस है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, क्योंकि नए लोगों तक पहुंचोगे आप तभी तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। एंड ये किन कीवर्ड्स पे रैंक किया है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप रीच में जाओगे, नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, ट्रैफिक सोर्सेस यूट्यूब सर्च 74%, जिसमें से गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स, ओके, जिसपे 33% जो मेरे व्यूज है, 74 का 33% इस कीवर्ड से आया हुआ है। एंड मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था इस वीडियो का वो था गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स, ओके। अभी हम लोग इसके टाइटल एंड टाइटल पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे इस वीडियो में। आने वाली वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन पे भी बात करूंगा, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वैसे मैं VidIQ यूज करता हूँ, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अगर आपको पता नहीं VidIQ कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने क्रोम में, तो वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक है। एंड कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना, आई बटन में लिंक है। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे टाइटल। एंड अभी जो पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा एक टाइटल लिखने के लिए, 3 टिप्स में से पहला टिप ये है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, या आपका वीडियो किस टॉपिक पे है, वो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा, मेरा जो मेन कीवर्ड था वो था गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स, ओके, मैंने गूगल असिस्टेंट के सेटिंग्स पे वीडियो बनाया है। तो उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो कौन सा है। एंड ये आप कैसे पता कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है अभी, जैसे VidIQ है, TubeBuddy है, या गूगल कीवर्ड प्लानर है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिधर से आप पता कर सकते हो एक कीवर्ड के बारे में, वॉल्यूम, उनका कॉम्पिटिशन, जिससे आप अपने वीडियो के लिए टाइटल चूज कर सकते हो, ओके, लो कॉम्पिटिशन वाला, ताकि आपका वीडियो रैंक करे, ओके। तो पहली चीज आपको करना है कि अपने वीडियो के लिए एक अच्छा सा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो ढूंढना है, ठीक है, ओके। सेकेंड चीज, जो आपका टाइटल है उसे आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पहला पार्ट हो गया, यहां से यहां तक दूसरा पार्ट, एंड यहां से यहां तक तीसरा पार्ट। अब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 3 पार्ट में, एंड इवन 2 पार्ट में भी कर सकते हो। अगर आपका जो टाइटल है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करता है, यहां तो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, गूगल असिस्टेंट एक शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपका कीवर्ड बड़ा होता है, जैसे हाउ टू यूज गूगल असिस्टेंट, तो ये एक बड़ा कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 लिखने का जगह होगा नहीं, ओके। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड में आप 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड में 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो, ओके। तो पहला टिप कि हमें अपने वीडियो के लिए कीवर्ड ढूंढना है जो टारगेटेड कीवर्ड है। सेकंड टिप, अभी जो आप टाइटल लिखने वाले हो उसको अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। नाउ द थर्ड टिप इज कि ये जो तीनों पार्ट होंगे टाइटल के, या 2 पार्ट होंगे, वो दोनों या तीनों पार्ट एक सिंगल चीज को टारगेट करना चाहिए, ओके। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, गूगल असिस्टेंट मेरा पहला कीवर्ड है, ठीक है। अब गूगल असिस्टेंट जब लोग सर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए, या उस गूगल असिस्टेंट के बारे में जानने के लिए सर्च करते हैं, ओके। तो मैं एक ये, तो ये टारगेट कर रहा है गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स को भी टारगेट कर रहा है, गूगल असिस्टेंट को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारा मेन टारगेट कीवर्ड है गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स।
तो उसके बाद जो दूसरा मैंने कीवर्ड डाला वो है गूगल असिस्टेंट सेटिंग, जो एग्जैक्ट कीवर्ड जो टारगेट कीवर्ड है वो, ओके तो ये रहा। एंड द थर्ड पार्ट जो मैंने डिवाइड किया है वहां पे दिया गूगल असिस्टेंट ट्रिक्स। अब टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सेटिंग्स में ज्यादा फर्क है नहीं, ओके क्योंकि चीजें होती सेटिंग्स ही हैं पर लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें लगता है ट्रिक है, ओके वो एक्चुअली है सेटिंग्स ही। तो देखा जाए तो मेरा ये तीनों कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड एंड थर्ड कीवर्ड, ये तीनों एक कीवर्ड को टारगेट कर रहा है जो है गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स, ओके। तो आपको पहले तो अपना एक बेस्ट कीवर्ड ढूंढना है, जिस भी टॉपिक पे आपका वीडियो है उसके लिए जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो ढूंढना है। सेकेंडली अभी जो आप टाइटल लिखोगे उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो, अगर लॉन्ग टेल है तो दो पार्ट में, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज आप जो ये तीनों या दोनों कीवर्ड लिखोगे टाइटल में, वो दोनों या तीनों कीवर्ड एक सिंगल कीवर्ड को टारगेट करने चाहिए। तो ऐसे हम लिखते हैं यूट्यूब के लिए एक अच्छा टाइटल। पर देखिए हर वीडियो के लिए या हर बार ये काम नहीं करता है। मैंने काफी सारी वीडियोस में सेम ट्रिक आजमाने की कोशिश की पर काफी पे काम किया, काफी पे नहीं किया, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। आपका जो वीडियो है उसके लिए आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड इस्तेमाल करो, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड इस्तेमाल करो, एंड ऐसे इस्तेमाल करो कि दोनों ही कीवर्ड एक सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रही हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आपका वीडियो रैंक करे, ओके। पर रैंकिंग के लिए सिर्फ टाइटल एक फैक्टर नहीं है, ओके, डिस्क्रिप्शन भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये तीनों टिप्स फॉलो करो, एक आपका जिस भी वीडियो पे, जिस भी टॉपिक पे वीडियो है उसके लिए एक अच्छा टारगेटेड कीवर्ड ढूंढो, जिसका कॉम्पिटिशन लो हो तो ज्यादा चांसेस है कि वीडियो रैंक करे। सेकेंडली अभी जो आपको टाइटल लिखना है उसको तीन या दो पार्ट में डिवाइड करो, ओके, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। एंड सेकेंडली आप जो दो पार्ट में डिवाइड करोगे या तीन पार्ट में, उसका दोनों या तीनों पार्ट एक सिंगल कीवर्ड को टारगेट करने चाहिए, ओके, जैसे हमारा यहाँ गूगल असिस्टेंट को टारगेट कर रहा है, गूगल असिस्टेंट सेटिंग्स आई मीन, ओके। तो ये तीनों टिप है जो आपको फॉलो करना है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ओके, फिक्स नहीं है चीजें तो एक्सपेरिमेंट किया कीजिए, अलग अलग चीजें ट्राई किया कीजिए, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।